केदार भद्रा जी को इस मंच से हार्दिक अभिनंदन। पार्टी में सम्मिलित हो रहा है फिरोज अख्तर, शुक्रुद्दीन, सामुद्दीन, मुख्तार शेख, महफूज शेख, खलाउद्दीन शेख, सोहेल अख्तर जो नारायणपुर पंचायत से है, जो नारायणपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा का करता आज 50 मोटरसाइकिल से भारत जनता पार्टी में। आपकी क्या ताकत है, आप इस पे मत जाइए कि कौन चुनाव में विरोध कर रहा है, कौन चुनाव में समर्थन कर रहा है। आप इस पर मत जाइए कि कौन वोट कटवा खड़ा है। आपकी ताकत कितनी है ये आपको अंदाजा नहीं, और मैं उसका सबसे आज का चुनाव है इसलिए महत्वपूर्ण है। आप सबों को अपनी ताकत, आप लोग बजरंग बली है, वो रामायण में एक चौपाई है ना कि जस सुरसा बदन बढ़ावा, काशी कपि दुगुन रूप दिखावा। कार्यकर्ता को दुगुना रूप दिखाने की आवश्यकता है। इस बार क्या हुआ, क्योंकि मैं रोज रॉबर्ट वाड्रा, रोज सोनिया गांधी, रोज इंदिरा गांधी करता रहता हूं रॉबर्ट वाड्रा, तो इस बार क्या किया कि प्रदीप यादव जी को कैंडिडेट बना दिया। 1,92,000 वोट प्रदीप यादव जी का, 3,30,000 वोट फुरकान अंसारी जी का। ताकि हिंदू मुस्लिम हो यह लघु बेची जीती जाए, वोट के बंटवारा हो यह लघु बेची जीती जाए। यह फुरकान अंसारी के टिकट काटी देखे प्रदीप यादव के 1,92,000, फुरकान अंसारी के 3,20,000 बल्कि अवक ही कर देते हैं। और हमारे भी कार्यकर्ताओं ने कई एक लोगों को यह लगा कि इस बार इसको हमने निपटा था। आप कार्यकर्ताओं ने क्या किया, इस चुनाव को एक चुनौती के तौर पर लिया, जो ये मधुपुर एक चुनाव चुनौती के बारे में जो माननीय जिला अध्यक्ष जी नारायण दास जी ने कहा या जो रणधीर सिंह जी ने कहा, मेरे चुनाव की तरह ही चुनौती लीजिए। क्या हुआ, ये 3,80,000 वोट 6,40,000 हुआ कि नहीं हुआ, और प्रदीप यादव जी को 4.5 लाख वोट मिला, हम 2 लाख वोट लिए, 6,000, 7,000, 2 लाख। आपको कुछ नहीं करनी है, जिस दिन चुनाव हुआ था हमारा 19 मई को, उस दिन 46 डिग्री टेम्परेचर था, 6.5 लाख लोगों ने खड़े होकर वोट किया। क्या आपको नहीं लगता कि गंगा नारायण सिंह को जो है अपने को इतना वोट देना चाहिए कि हफीज का जमानत जब्त करा देना चाहिए। और पार्टी तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो दीपक प्रकाश जी बैठे हुए हैं, यहाँ बाबूलाल जी बैठे हुए हैं, यहाँ प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठी हुई है सुनील सोरेन जी बैठे हुए हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी बैठा हुआ है। मैं एक अकेला सांसद, मैंने केवल पार्टी को कहा कि आप मेरे पीछे मॉरली खड़े रहे। यदि मैंने हेमंत सोरेन को अकेला इतला दिया, बजा दिया, तो आप तो इतने बड़े संख्या में है, इसको मंत्री क्यों बनाया है, कभी आपने सोचा है कि मंत्री क्यों बनाया है? वो बात नहीं है, ये चुनाव गोड्डा लोकसभा में हो रहा है। और पता है हेमंत सोरेन को कि जिस दिन यहां से गंगा नारायण जीत जाएगा गोड्डा से, मधुपुर से जिस दिन गंगा नारायण जीत जाएगा, तो उस मुख्यमंत्री के ऊपर जो बलात्कार का आरोप है, जो हाईकोर्ट बंबई में केस चल रहा है, उसमें उसको जेल हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे ऊपर 22 केस है, मेरे परिवार के ऊपर 22 केस है। मैं यहां से चुनावी सभा के बाद सीधा नगर थाना जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं, मैंने जब कहा था 2009 में कि मैं किसी को ठेकेदारी नहीं दूंगा, बटेदारी नहीं दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज पूरी झारखंड सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे वाइफ के पीछे पड़ी हुई है। क्या कोई आरोप लगा पाया कि मैंने किसी का कमीशन खा लिया, किसी इंजीनियर से पैसा ले लिया, किसी का ठेकेदारी दे दिया, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया? आप कार्यकर्ता पूरे रावण की लंका में हाथ लगा देगा, ये रावण है, ये सोरेन फैमिली जो है ये लूटने के लिए है, ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करना है। हाजी हुसैन अंसारी यहाँ के मंत्री रहे, दो बार मंत्री, एक उदाहरण दे सकते हैं कि मधुपुर में ये विकास कर दिया और नहीं तो जिसको देखना हो उसको मधुपुर लहरझोरी रोड देखना चाहिए। ये जब नहीं बनता था मैं कहता था कि ये करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा था। बस उपी में जो कोयला है
वो कोयला कौन बेचता है? हफीजुल बेचता था कि नहीं बेचता था? क्या आप कहते हैं कि वो विधायक बने या अशोक यादव बैठे हुए, बताइए बेचता था कि नहीं बेचता था? उषा मार्टिन को लेकर आया कि नहीं आया? मेरा आग्रह यह है कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा का वोट है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के प्रतिष्ठा का सवाल है, ये चुनाव दीपक प्रकाश जी के प्रतिष्ठा का सवाल है, बाबूलाल मरांडी जी अन्नपूर्णा यादव जी के प्रतिष्ठा का सवाल है, और ये चुनाव मेरी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। यदि मैंने आपके लिए कुछ किया होगा, यदि देवघर में गोड्डा में हमने विकास किया होगा, यदि हमने कार्यकर्ता के मान और सम्मान की बात की होगी, तो मैंने कभी भी आप लोगों से वोट नहीं मांगा। आज मैं पहली बार विधानसभा में मधुपुर में आप लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगने आया हूं। सांसद निशिकांत दुबे जी को इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुमका के लोकप्रिय सांसद सोहेल सोरेन जी को इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं।